29 तारीख को इटली से एक टूरिस्ट आए थे यहाँ जयपुर, और हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एयरपोर्ट पे उनकी स्क्रीनिंग की, तो उसमें थोड़े सिम्टम्स ही लगे, तो हमने उनको एडमिट कर लिया SMS अस्पताल में। 29 से उभरती थे, उनके सैंपल को टेस्ट किया, नेगेटिव आया, मेडिकल ICU में भर्ती थे। उसके बाद 2 दिन से उनकी स्थिति में थोड़ा गिरावट आई, तो फिर उसका सैंपल लिया गया, वो आज रिपोर्ट बोलती है शायद उससे पॉजिटिव है। हमने पेशेंट को आइसोलेशन में रखने के लिए SMS अस्पताल के डॉक्टर्स को इंस्ट्रक्शन दे दिए, और जो 29 तारीख से लेके आज तक उस ICU के अंदर उस पेशेंट के साथ कांटेक्ट में आए, संपर्क में आए, उन लोगों की भी टोटल स्क्रीनिंग करने का इंस्ट्रक्शन जारी कर दिया गया है। मामला तो अब क्योंकि 29 तारीख को नेगेटिव आई रिपोर्ट और आज पॉजिटिव आई है, तो एक बार जांच और कराने के लिए मैंने कहा है कौन सी रिपोर्ट सही है कौन सी गलत है। लेकिन ये सही है कि पूरा विभाग मुस्तैदी से संवेदनशील तरीके से, और हमारे डॉक्टर्स लगे हुए हैं, उसको आइसोलेशन में आज कर दिया गया है।